नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज भारत ने आजादी के 69 साल पूरे कर लिए हैं। आजादी के इस पर्व पर ढेर सारी बधाइयों के साथ ज्ञान विज्ञान लेकर आया है आपके लिए विज्ञान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए सम्मान और प्रोफेसर अजय सूद के रॉयल सोसाइटी में चयन के अलावा बात करेंगे आजादी से लेकर अब तक भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों की। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र देगा मिसाइल मैन को सम्मान, उपग्रह को दिया जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम। इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर 2015 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत लौटी टीम इंडिया का डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया उत्साहवर्धन। भारत को मिला एक और सम्मान, भौतिक शास्त्री प्रोफेसर अजय सूद को रॉयल सोसाइटी ने किया फेलो के लिए चयनित। और खोज खबर में डालेंगे एक नजर, आजादी से लेकर अब तक पिछले 7 दशकों में कैसा रहा भारत में विज्ञान का सफर। और अब खबरें विस्तार से। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को पूरी दुनिया सदियों तक याद करती रहेगी। डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबसैट उपग्रह को डॉक्टर कलाम का नाम देने की घोषणा की है। इस उपग्रह के द्वारा पृथ्वी के अवलोकन और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहे राष्ट्रों को मानव जाति की प्रमुख समस्याओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं, ऊर्जा और पानी की कमी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के मुद्दों और मौसम की भविष्यवाणी का समाधान खोजने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। ऐसी महान सोच के मालिक थे स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज भले ही ये महान शख्सियत हमारे बीच नहीं है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है और मौजूदा व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर कलाम को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में ये घोषणा की है कि एक पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन उपग्रह को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम दिया जाएगा। ग्लोबसैट के नाम से जाने जाने वाले इस पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन वैश्विक उपग्रह को अब UN कलाम ग्लोबसैट के तौर पर जाना जाएगा। इस उपग्रह को सोशल एप्लीकेशंस के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाला कैन्यूस संगठन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित कर रहा है। इनमें आउटर स्पेस मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय सहित UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, UN इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक शामिल हैं। ये उपग्रह डॉक्टर कलाम के वर्ल्ड स्पेस विजन 2050 के अनुकूल है। इस उपग्रह का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देकर साझा डेटा संग्रह और वितरण को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार एकत्र और साझा की गई जानकारी को बाढ़, सूखा, टाइफून, भूकंप, जंगल में लगने वाली आग, तूफान या ज्वार की घटनाओं जैसी आपदाओं के पूर्वानुमान और इससे होने वाली क्षति को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस साल मार्च में जापान के सेंडाई में आयोजित 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में उपग्रह के प्रक्षेपण पर चर्चा की गई। UN कलाम ग्लोबसैट को सितंबर माह के न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के दौरान दुनिया भर के 150 से अधिक नेता औपचारिक रूप से अपनाएंगे, जिसमें भारत भी शामिल होगा। अमेरिका के पिट्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर 2015 में भारत के 29 छात्रों का चयन हुआ। टीम इंडिया के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत लौटे इन छात्रों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुलाकात की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने छात्रों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। भारतीय बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानती है, इस बात को भारतीय छात्रों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिखाया। इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर 2015 में बेहतर प्रदर्शन कर लौटे भारतीय छात्रों से
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में मुलाकात की और उनका उत्साह वर्धन किया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने छात्रों से उनका अनुभव साझा किया और उन्हें विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वहीं छात्र भी उनके साथ अपना अनुभव साझा कर काफी खुश नजर आए। मई 2015 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में टीम इंडिया के तौर पर भाग लेने वाले इन छात्रों ने 70 देशों के छात्रों से मुकाबला किया। इन बच्चों की सफलता को देखकर यह विश्वास होता है कि हमारे देश में बहुत ही होनहार और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए अन्वेषण करने की योग्यता वाले बच्चे हैं। अगर ज़रूरत है तो ऐसे बच्चों को ढूंढने की, उन्हें आगे बढ़ाने की और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की। इन छात्रों ने गणित, कंप्यूटर साइंस, प्लांट साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नैनो साइंस और मेडिसिन विषयों पर तैयार किए गए अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए दूसरे प्रतिभागियों को कड़ी टक्कर दी। माय प्रोजेक्ट इज अबाउट डेवलपिंग अ नोवल थेरेपी अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यूजिंग अ नोवल इनहिबिटर कर्क्यूमिन व्हिच इज द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ टर्मरिक। वेल, टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, इट वाज रियली ग्रेट कंपीटिंग विद 1600 पीपल फ्रॉम 70 कंट्रीज एंड द वीआईपी ट्रीटमेंट यू गेट देयर इज रियली अमेजिंग। My project is a study of a plant called Pandanus unipapillatus, which has preservative property and antibacterial property. And talking about the experience of mine is it was an awesome experience, and it was great thing representing India. And it is another great thing is to interact with many country students. It was an unforgettable moment in my life. बेहतरीन वैज्ञानिक सोच और अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने अपने विचार प्रतियोगिता में पेश किए, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार, धनराशि और छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर विश्व का सबसे बड़ा प्री कॉलेज कॉम्पिटिशन है, जिसमें हर साल दुनिया भर से 60 लाख छात्र हिस्सा लेते हैं। इन छात्रों को नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी सिंह समेत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्य गणमान्य लोगों ने भी प्रोत्साहित किया। भारत को गौरवान्वित होने का एक और मौका फिर से मिला है। जी हाँ, भौतिक शास्त्री प्रोफेसर अजय सूद को रॉयल सोसाइटी के फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। कंडेंस्ड मैटर, ग्राफीन और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रोफेसर सूद को पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पेश है ये रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान संस्थान में कार्यरत फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अजय सूद ने भारत को गौरवान्वित महसूस करने का मौका दिया है। प्रोफेसर सूद का चयन ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में किया गया है। पद्मश्री प्रोफेसर अजय सूद को रॉयल सोसाइटी की सेक्शनल कमेटी ने फेलोशिप के मतदान के बाद चुना है। एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू सेंटर के साथ जुड़े 64 वर्षीय प्रोफेसर अजय सूद एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं। प्रोफेसर सूद को उनके कंडेंस्ड मैटर, ग्राफीन और नैनो टेक्नोलॉजी पर किए गए कामों के लिए जाना जाता है। नैनो पार्टिकल्स पर की गई प्रोफेसर अजय सूद की क्वांटम और सॉफ्ट कंडेंस्ड मैटर की रिसर्च ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना और प्रशंसा दिलवाई है। प्रोफेसर सूद के दिल का दौरा पड़ने का पता लगाने वाली कार्बन नैनो ट्यूब आधारित बायोसेंसर्स और बुलेट प्रूफ वेस्ट के प्रोजेक्ट को पोटेंशियल कॉमर्स एप्लीकेशन के क्षेत्र में कामयाबी मिल चुकी है। एक विश्व प्रसिद्ध फिजिसिस्ट और भारतीय विज्ञान अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सूद को विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए साल 1990 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और साल 2013 में भारत सरकार की तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर सूद वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस के भी सदस्य हैं। रॉयल सोसाइटी ब्रिटिश सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर वह यूके की एकेडमी ऑफ साइंसेस के रूप में काम करती है।
रॉयल सोसाइटी रिसर्च फेलोशिप और वैज्ञानिक स्टार्टअप कंपनियों की वित्तीय रूप से मदद करती है। रॉयल सोसाइटी अपने आइडियल सेंटेंस नलियस इन वर्बा यानी टेक नोबडीज वर्ड फॉर इट को कायम रखने की दिशा में काम करती है। वह लॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से तथ्यों की स्थापना को बढ़ावा देती है। अपने इस चयन के साथ ही प्रोफेसर अजय सूद, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, श्रीनिवास रामानुजन, रिचर्ड फेमन जैसी महान शख्सियतों की सूची में शुमार हो गए हैं जो रॉयल सोसाइटी के सदस्य रह चुके हैं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश और विदेश में चल रही हलचलों पर नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय मूल के इंजीनियर सुंदर पिचाई को गूगल ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। ये भारत के लिए सम्मान की बात है। सुंदर पिचाई ने 10 अगस्त को गूगल के सीईओ का कार्यभार संभाला। वे आईआईटी खड़गपुर के एलुमनाई हैं। सुंदर पिचाई के पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉर्टन स्कूल की एमबीए की डिग्री भी है। पिचाई ने गूगल टूल और गूगल क्रोम के विकास की दिशा में अहम योगदान दिया है। माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में भारत ने नया कीर्तिमान दर्ज किया है। श्री पेरम्बुदुरु की 13 वर्षीय जहनवी ने रशिया के माउंट एल्बर्स पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। माउंट एल्बर्स पर चढ़ने वाली जहनवी विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। माउंट एल्बर्स यूरोप की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। इस एक्सपेडिशन में जहनवी 10 सदस्य वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। जहनवी इससे पहले माउंट एवरेस्ट, दक्षिण अमरीका में माउंट एकोनकागुआ, उत्तरी अमरीका में माउंट मिकिनले, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसीयूज़को और एंटार्क्टिका में माउंट विंसो पर भी चढ़ाई कर चुकी है। जहनवी का उद्देश्य पर्वतारोहण के क्षेत्र में सभी 7 समिट पूरा करना है। इस दिशा में वे पहली भारतीय और सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनना चाहती हैं। 10 अगस्त का दिन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है। नासा वैज्ञानिकों कील लिंडग्रेन, स्कॉट केली और किमिया यूई ने इस दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के किचन गार्डन में उपजा सलाद खाया। ये सलाद नासा के प्रयोग वेज 1 का नतीजा है। इस प्रयोग के जरिए ये पता लगाया गया कि अंतरिक्ष की कक्षा में पौधा कैसे बढ़ता है। नतीजतन लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले यात्रियों को अंतरिक्ष में उपजी ताजा सब्जियों से अपने लिए भोजन बनाने में सहायता मिलेगी। हालांकि इससे पहले भी अंतरिक्ष में सब्जियां बोई गई हैं, लेकिन सेफ्टी एनालिसिस के बाद खाई पहली बार गई हैं। मंगल ग्रह को और करीब से जानने के लिए एक टेस्ट मिशन डिजाइन किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य उन परिस्थितियों को दोहराना है जिसका अंतरिक्ष यात्रियों को वास्तविकता में सामना करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऑस्ट्रिया की कोनेर्तल ग्लेशियर वैली में पूरा किया गया। ये ग्लेशियर मंगल ग्रह की सतह से मिलता जुलता है जिसमें बर्फ रॉक या रेत की सतह के नीचे है। यहाँ वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण से जुड़े पहलुओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे ताकि वे यात्रियों के भावी अभियानों में इंजीनियरिंग, प्लैनेटरी सरफेस ऑपरेशंस, एस्ट्रोबायोलॉजी और जियो साइंसेस के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकें। 12 अगस्त की रात और 13 अगस्त की सुबह भारत ने आसमान में अलौकिक नजारा देखा। सारा आसमान उज्जवल मीटियोर शार परसीड्स से जगमगा उठा। परसीड्स का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी स्विफ्ट टटल धूमकेतु की कक्षा से गुजरती है। स्विफ्ट टटल की तलाश 1862 में की गई थी और अंतिम बार 1992 में धरती इसकी कक्षा से गुजरी थी। परसीड्स का ये अद्भुत नजारा आधी रात के बाद आकाश के उत्तर पूर्वी भाग पर उज्जवल फायरबॉल्स के रूप में नजर आया।
बैंगलोर के लाल बाग बॉटनिकल गार्डन में 20,000 डच रोजेस से बना मशहूर बैंगलोर पैलेस रेप्लिका दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये रेप्लिका डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और मैसूर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित सालाना फूलों की नुमाइश का हिस्सा है। 7 अगस्त से शुरू हुआ ये 10 दिवसीय फ्लोरल शो 16 अगस्त तक चलेगा। फूलों की ये नुमाइश विदेशी पर्यटकों को काफी लुभा रही है। आजादी के बाद से ही भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साल दर साल नए आयाम स्थापित किए। कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा के साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत ने पिछले 68 सालों में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। भारत का चंद्रमा पर पहुंचने से शुरू हुआ ये सफर आज मंगल तक पहुंच गया है। खोज खबर के हमारे आज के सेगमेंट में आज हम चर्चा करेंगे पिछले 7 दशकों की, जिसमें भारत ने विज्ञान की मदद से प्रगति की। साल दर साल होती आई नई खोजों और शोधों के जरिए भारत ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की। आइए जानते हैं कैसा रहा भारत का आजादी से लेकर अब तक विज्ञान के क्षेत्र में विकास का सफर। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. 14 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्र के नाम दिए गए इस संदेश के साथ भारत आजाद हुआ। And her people and to the still larger cause of humanity. 200 साल तक ब्रिटिश राज की गुलामी झेल चुके भारत ने आखिरकार 15 अगस्त 1947 का आजाद सवेरा देखा। ये भारत के वीर और जाबाज सुपूतों की ही देन है कि राष्ट्र आज अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तब से लेकर अब तक भारत ने विकास की राह पर चलते हुए एक लंबा सफर तय किया है। ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है जो आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों से कंधा मिलाकर खड़े हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज किसी से कम नहीं। बात भले ही कृषि उत्पादन की हो, तकनीकी प्रगति की, वैज्ञानिक शोध या फिर अंतरिक्ष में उड़ान की, भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया के नक्शे पर अपना झंडा लहराया है। आजादी के फौरन बाद सबसे अहम था देश को अनुसंधान और विकास की दृष्टि से मजबूती प्रदान करना। इसके लिए देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। साथ ही देश के शिक्षा संस्थानों का भी पुनर्गठन हुआ। 50 के दशक में हमारे लिए पड़ोसी देशों से अपनी सीमा सुरक्षा चिंता का मुख्य विषय रहा। इसी के चलते देश में 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इस संगठन ने देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी को सशक्त बनाने में अहम भूमिका अदा की। आज हमारा देश आधुनिक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइलों पनडुब्बियों से लैस मिसाइल सुपर पावर है। सीमा सुरक्षा के बाद बारी आई खाद्य सुरक्षा की। अकाल की मार झेल रहे भारत में उस वक्त भुखमरी और कुपोषण के हालात थे। खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से अनाज आयात करना पड़ रहा था। 1953 से लेकर 60 के दौर में अच्छे और स्वस्थ बीजों, सिंचाई के उम्दा तरीकों, रसायनिक खादों और एग्रोनॉमिक टेक्नोलॉजी में आए सुधारों से पैदावार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हमारा देश कृषि प्रधान राष्ट्र बना। आज भारत के पास कृषि और खाद्य उत्पादों की रिसर्च के लिए अपने बायोटेक पार्क्स हैं। आजादी से पहले हमें हर चीज के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे वक्त में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अस्तित्व में आया। देश भर में इस संगठन की कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। फल, सब्जी, खाद, दवाई, प्लास्टिक, वैज्ञानिक औजार, ग्रेफाइट, कार्बन, ग्लास और ईंधन आदि की रिसर्च के साथ शुरू हुआ ये संगठन आज विश्व के कई बड़े औद्योगिक संगठनों को मदद प्रदान करता है।
फंडामेंटल रिसर्च की अहमियत को पहचानते हुए 1945 में स्थापित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के साथ मिलकर देश के हित में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इन प्रयोगों में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन का एक्सरेज को लेकर किया गया रमन प्रभाव विशेष उल्लेखनीय है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही देश में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत महसूस की गई। 1948 में महान दूरदर्शी डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। इसके चलते 60 के दशक में हमारा देश न्यूक्लियर पावर नेशन बना। इसी दौरान भारत ने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स और प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की पहली स्टेज को पार किया। देश में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट अक्टूबर 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया। उस वक्त भारत एशिया महाद्वीप का इकलौता ऐसा राष्ट्र था जिसके पास अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट था। जल्द ही भारत ने अप्सरा, पूर्णिमा और जर्लीना रिएक्टर्स भी स्थापित कर लिए। मौजूदा दौर में भारत के पास 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिनमें 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। इनसे कुल 30,292.91 गीगावाट पर आर बिजली का उत्पादन होता है। प्राथमिक सुविधाओं की कमी के उस दौर में भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रमों में रुचि लेना किसी को हजम नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए उठाए गए कदमों ने देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। 70 के दशक में इंडियन स्पेस प्रोग्राम की गति में तेजी आई। दूर संचार, मौसम के पूर्वानुमान और रिसर्च मैनेजमेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट के लॉन्च के साथ भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया। तब से लेकर अब तक हमारा देश अलग अलग तरह के 74 उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। साल 2008 में चंद्रयान और 2014 में मंगलयान अभियान भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी की सफलता की महान उपलब्धियां हैं। आपदा प्रबंधन, एविएशन, समुद्री नेविगेशन, पर्यावरण निगरानी, कृषि आदि क्षेत्रों में भी स्पेस टेक्नोलॉजी ने साधारण जनजीवन में हमारी काफी सहायता की है। 50 से 70 तक के 3 दशकों में भारत ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी महारत हासिल की। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर के अलॉय और सालिम स्टील प्लांट के जरिए बेहतर धातु का उत्पादन शुरू हुआ। बात करें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मदद से सस्ती और अच्छी जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन बढ़ने से मृत्यु दर में कमी आई। शहरों से लेकर गांव तक देश के हर कोने में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। ये वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हम एक चेचक और पोलियो मुक्त राष्ट्र हैं। 1991 में जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 साल की थी, वो अब बढ़कर 65 की हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।